तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को फोन पे ऐप से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना सिखाऊंगा। तो आपको भी फोन पे ऐप से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना नहीं आता है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पेशली आपको फोन पे ऐप से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना सिखाऊंगा। तो अगर आप किसी भी स्टेट से रहते हो तो मैं हर एक स्टेट के बारे में जानकारी दूंगा। आप कैसे अपना बिल आईडी या कंज्यूमर आईडी या भी जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है या अकाउंट आईडी बोल लीजिए, जो भी आवश्यकता पड़ती है ऑनलाइन बिल पेमेंट करते वक्त, उसको बारे में बताया हूँ। कैसे आप निकाल सकते हैं आसानी से, पूरा सैंपल के साथ बताया हूँ। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है, बिल आईडी की आवश्यकता है या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता है या फिर कंज्यूमर आईडी या अकाउंट आईडी की आवश्यकता है, जो भी आप है अपना आसानी से निकाल सकते हैं और घर बैठे आप अपना फोन पे ऐप से आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कम से कम समय में जानकारी देते हैं। और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मैं अपना फोनपे का अकाउंट ओपन कर लिया हूँ। जैसे ओपन कर लिया होम पेज पर मैं आ गया हूँ और होम पेज पर यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट मुझे करना है तो इस ऑप्शन पर मुझे जाना पड़ेगा। तो हो सकता है आप ये वीडियो 2 महीना 4 महीना या 5 महीने बाद देख रहे हो तो हो सकता है अपडेट के बाद इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन कहीं इधर उधर मिल सकता है। एग्जैक्ट आपको नहीं मिले तो यहाँ पर आपको होम पेज पर आने के बाद आपको ढूंढ लेना है इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन। जैसे ही ढूंढ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन में टैप करना। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में जितने भी कंपनियाँ हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, वहाँ पर सभी कंपनियों के नाम और किस स्टेट से वो मतलब हैं वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बता दूँ तो मान लीजिए यहाँ पर ये मेघालय वाला है तो मेघालय की जो कंपनी है उसका नाम लिखा हो। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मांगा जा रहा है कंज्यूमर आईडी। तो जो लोग मेघालय से हैं तो आपको जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो भी रसीद मिलता है, जब भी हर महीने कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी विभाग से आपके घर पर आता है रसीद काटने के लिए, तो उस रसीद पर आपको कंज्यूमर आईडी मिल जाता है। तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो रसीद है, जो मतलब कि कनेक्शन का टाइम मिला होता है उसमें भी रहता है। तो मान लीजिए अगर आप अडानी इलेक्ट्रिसिटी यानी मुंबई लिमिटेड से हैं तो इसमें अगर यहाँ पर आपको रहते हैं तो इसका अगर बिल पेमेंट करना है अडानी इलेक्ट्रिसिटी से मुंबई लिमिटेड से, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर की आवश्यकता है। तो अकाउंट नंबर की आवश्यकता तो कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कभी कभी यहाँ पर सैंपल भी दिखाई देता है। जैसे भी वाले सैंपल पर क्लिक करेंगे तो आपको अडानी इलेक्ट्रिसिटी का जो अगर आप निकालना है कंज्यूमर आईडी वगैरह, तो आप यहाँ से सैंपल के तौर पे अपना जो भी रसीद वगैरह है वहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर की तरह निकलेगा, व्यू सिंपल वाले ऑप्शन में जाकर निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर बेंगलोर का निकालना है तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको व्यू सिंपल दिया हुआ है। यहाँ पर कैसे अपना कंज्यूमर आईडी या अकाउंट आईडी निकालेंगे, तो यहाँ पर इस पर जैसे क्लिक करेंगे व्यू सिंपल वाले ऑप्शन में, तो आपको जो भी बिल वगैरह होता है कहाँ पर आपका अकाउंट नंबर या अकाउंट आईडी होता है यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया जाएगा। तो आप आसानी से अपना जो भी अकाउंट आईडी है या कंज्यूमर आईडी है या मोबाइल नंबर से जो भी पेमेंट होता है आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश का बिल पेमेंट यहाँ पर करके दिखाऊँगा। तो जैसे कि इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 कंपनियाँ हैं, एक कानपुर वाला भी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर रूलर यानी गांव में रहता हूँ और अगर आप अर्बन में रहते हैं यानी शहर वगैरह में रहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो मैं रूलर से हूँ तो उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर रूलर पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर कंज्यूमर आईडी कंज्यूमर नंबर पूछा जा रहा है। कंज्यूमर अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं रूलर एरिया से तो आपको कंज्यूमर कैसे नंबर निकालना है, स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि आपको कैसे निकालना है। तो मेरे पास कंज्यूमर आईडी है तो यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर देख सकते हैं कि यही मेरा कंज्यूमर आईडी है। और जैसे ही कंफर्म वाला ऑप्शन में क्लिक करूँगा जिस नाम से रहेगा उसका नाम पता यहाँ पर चला आएगा। आप देख सकते हैं कि आ गया है, ये मेरे माता जी के नाम का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कुछ आ गया है और ये पिछले 3-4 महीनों का बिल है। यहाँ पर देख सकते हैं तो मेरे वॉलेट में यहाँ पर बैलेंस पड़े हुए हैं 791 रुपये का आसपास। तो इसी में सही वॉलेट बैलेंस भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके वॉलेट बैलेंस में बैलेंस नहीं है तो चाहे तो आप UPI का भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास जो भी ऑप्शन है वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके पास ऑप्शन है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट में है तो मैं वॉलेट से ही करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं 3-4 महीने का बिल है, मैं एक साथ पे कर रहा हूँ 466 रुपये। अगर आप उत्तर प्रदेश के यहाँ पर रूलर से रहें तो आपको कंज्यूमर आईडी कैसे मिलेगा मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दिया हूँ कहाँ से आप निकाल सकते हैं। कंज्यूमर आईडी या अकाउंट आईडी एक ही होता है, उसको कहीं कहीं कंज्यूमर आईडी और कहीं कहीं अकाउंट आईडी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं डाल लूँ पूरा डिटेल आ गया है, मेरा डिटेल पूरा सही है। और जैसे ही पे बिल वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा ये मेरा आसानी से बिल पेमेंट हो जाएगा ओनली ऑन 1 सेकेंड में।
तो यहाँ पर घर बैठे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं और जो भी आपका कंफर्मेशन है 1 से 2 दिन में हो जाता है। चाहे तो आप बिजली विभाग में जाकर के कंफर्म करा सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट हो गया या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी बता रहा है कि आपको विद इन 4 डेज के अंदर ये कंफर्म हो जाता है, अपडेट कर दिया जाता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। 1-2 दिन बाद आप चाहें तो जा करके आप वहाँ पर चेकअप करा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही चलेंगे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट यहाँ पर पेड हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपना किसी भी स्टेट से रहते हो तो कैसे आपको यहाँ पर अकाउंट आईडी निकालना है वहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग यहाँ पर से। तब तक के लिए खुश रहिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।